मने रख हे मनुष्य तुमे माटीरे जात एवं माटीरे ही लीन हेबो। पश्चाताप कर मनस्ताप कर एवं सुसमाचार रे विश्वास कर। तपस्या कालर द्वादश दिन एवं तपस्या कालर द्वितीय रविवार आज सुसमाचार हेउछि छ दिन परे जीशु पीतर जाकुब ओ तांकर भाई जोहन को एकांतरे नै गोटिए उच्च पर्वत आरोहण कले एवं सेठारे सेमानंको साक्षातरे से रूपांतरित हेले। ताहांकर मुख्य सूर्य परी दीप्तिमय हेला एवं ताहांकर वस्त्र तुषार परी शुभ्र हेला। पुणी देखु देखु मोसा वो एलियो सेठारे उपस्थित होई ताहांको सहित कथोपकथन कले। पितर जीशुख्रीष्ट को कहिले हे प्रभु आमर एठारे रहिबा भल, आपण जदि चाहंती तेबे मु तीनोटी तंबू निर्माण करिबि, गोटिए आपणक पाई, गोटिए मोसांक पाई एवं अन्यटी एलियोंक पाई। से एहा कहु कहु गोटिए उज्जवल मेघ सेमानंकु आच्छन्न कला एवं मेघ मध्यरु एही बाणी सुनागला, एही आमर प्रिय पुत्र ताहांक ठारे आमे चिर प्रसन्न, ताहांकर बाणी श्रवण कर। प्रिय भौणी भाई मैंने आज हेउछि तपस्या कालर द्वितीय रविवार। एही रविवार दिन पुण्य पिता फ्रांसिस पालकीय पत्र जेउठारे से तपस्या कालर आध्यात्मिक यात्रा विषय चिंता करती ताहाकु मु आलोचना करिबा को जाउछि। पुण्य पिता फ्रांसिस समग्र विश्वासी जनता को कहती प्रभु जीशु ख्रीष्टर रूपांतर कहानी साधु माथी लिखित सुसमाचार, मार्क लिखित सुसमाचार एवं लुक लिखित सुसमाचार रे समान भाव रे वर्णन करा जाय छी। प्रभु जीशु ख्रीष्टर रूपांतर पूर्व प्रभु जीशु ख्रीष्ट निजर शिष्य तीन जन को नहीं टावर पर्वत ऊपर को जाइथिले। से माने हेले पीतर जहन एवं जाकुब। पितर किछि समय पूर्वे जीशु को निज जातना विषय रे प्रतिबंधक आनिथिले। एहा को देखि जीशु पितर को कहिथिले एही ठारु चली जाओ शैतान, कारण तुमर चिंताधारा ईश्वर को चिंताधारा ठारु भिन्न। तेणु प्रभु जीशु ख्रीष्टर जीवन रे जहां सब घटिबा को जाउथिला वास्तव रे ताहा पिता ईश्वर महिमा प्रकाश करिबा पाए। आज दृश्य जहां आम देखु पितर जहन एवं जाकुब सम्मुखें प्रभु जीशु ख्रीष्ट रूपांतर हमें पुण्य पिता फ्रांसिस आम मान दृष्टांत आह्वान करती। प्रिय भाई और भौणी माने आम जीवन रे आमर हृदय आमर चरित्र आमर ख्रीस्टियन विश्वास रूपांतर होगा आवश्यक। जे भली पीतर जहन जाकुब प्रभु जीशु ख्रीष्टर रूपांतर देखिपारे आम प्रभु जीशु ख्रीष्टर से ही अलौकिक शक्ति देखा आवश्यक। यह केवल संभव जिते बड़े आम प्रार्थनामय जीवन जापन करवा। जो भली जीशु ख्रीष्ट पिता ईश्वर ठारे एक निरल जगार प्रार्थना करू करू रूपांतरित तो होते एहा गोटे अद्भुत जनक दृश्य थिला। केवल से नुह पीतर जहन जाकुब एही विचक्षण दृश्य देखि आश्चर्य हो जाइथिले एवं सेमाने मध्य देखिबा को पाइले मोसा एवं एलियो प्रभु जीशु ख्रीष्टंक सहित उपस्थित थिबा एवं सेमाने स्वर्गरु एक अद्भुत स्वर सुनिबा को पाइले देख एहा मोर प्रिय पुत्र जहांक ठारे मु चिर संतुष्ट एवं यहाँ वाक्य श्रवण कर।
पुण्य पिता फ्रांसिस तांको पाळकीय पत्र रे आम मानंको शिक्षा दियंती आम मानंकर तपस्या कालीन आध्यात्मिक यात्रा गोटे सिनोडीय यात्रा हेबा आवश्यक। पिता परमेश्वर आम मानंको विभिन्न वर्गर लोक मानंको देई अछंती, विभिन्न जातिर लोक मानंको देई अछंती, विभिन्न धर्मावलंबी भाई और भौणी मानंको प्रदान करि अछंती एवं एही समय रे आमे समस्तंक सहित यात्रा करबा आवश्यक। एवं मन रख आमर यात्रा गोटे निरोल यात्रा हेबा आवश्यक, एक उच्च स्तरीय यात्रा हेबा आवश्यक एवं प्रभु जीशु ख्रीष्टंक सहित आरोहणर गोटे यात्रा हेबा आवश्यक। तेनु पुण्य पिता फ्रांसिस आम मानंको आह्वान करूछंती जे आम मानंकर चलित वर्षर तपस्या कालीन आध्यात्मिक यात्रा गोटे सिनोडीय यात्रा हेबा आवश्यक, जहां व्यक्तिगत आध्यात्मिक उन्नति पाई, समाज आध्यात्मिक उन्नति पाई, मंडली आध्यात्मिक उन्नति पाई एवं प्रत्येक विश्वासी आध्यात्मिक उन्नति पाई साहाज्य करिवो। तेनु आज पुण्य अवसर रे पुण्य पिता आह्वान देथिबा एही वाक्य को आमे आम हृदय को नेबा एवं प्रार्थनामय जीवन जापन करिबा पाई चेष्टा करिबा एवं आम मानंकर मंडली पालक चालक एवं विभिन्न प्रतिनिधि लोक मानंकर सहित एकत्र आध्यात्मिक यात्रा करिबा पाई चेष्टा करिबा। पिता परमेश्वर आम मानंकर सही अनुग्रह दियंतु जेउ भली आमे माने मध्य आम मानंकर आध्यात्मिक यात्रा रे प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर प्रार्थनामय जीवन रे एलियो एवं मशा को देखि पारिबा। तेणु मोर प्रिय भाई और भौणी माने ईश्वरंकर वाक्य एहा मोर प्रिय पुत्र जहांक ठारे चिर संतुष्ट एहांकर वाक्य शुण एही वाक्यटी सफल हेबो जेतेबेले आमे आमर आध्यात्मिक यात्रा रे प्रार्थनामय जीवन जापन करिबा को चेष्टा करिबा। आध्यात्मिक यात्रा रे आमर भाई और भौणी मानंक सहित विश्वासर सहित यात्रा करिबा एवं विशेष करी प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर सहित निबिड़ संपर्क रे बंधित हेबा। प्रभु आपण मानंकु एही आशीर्वाद दियंतु एवं एही तपस्या कालीन यात्रा आपण मानंक पाई मध्य गोटे सिनोडीय पथर यात्रा हेउ। आसंतु आमे प्रार्थना करिबा। हे प्रभु परमेश्वर आमे तुमको धन्यवाद देउछु, तुम्हें तुम प्रिय पुत्र को दे अछ, तुम्हें जो भली तुम प्रिय पुत्र संतुष्ट आम मानते संतुष्ट हु कारण आमे माने मध्य प्रतिज्ञा करूछु तुम्हर से ही प्रिय पुत्र वाक्य को श्रवण कर जीवन जापन कर सक्षम होगापाई। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पुत्र एवं पवित्र आत्मा आपण मान आशीर्वाद करूँ। आमेन।